सबका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, आपका भी डिसेबल हो सकता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे उसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं। और अगर पहले से ही मोनेटाइज है तो जैसे ही यूट्यूब के नजर में वो चीज आ जाएगा फट से डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अगर आप ये चीज बंद नहीं करोगे तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और मुझे भी ये चीज तब पता चला मैं जब इस प्रॉब्लम को फेस किया था। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मेरे चैनल पर, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मेरा चैनल अर्निंग के कैटेगरी का है, लेकिन मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल का बना के उधर से किस तरह से आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं। उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने चैनल बना भी लिया है, यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आया था उसने भी मेरे से यूट्यूब चैनल खोल लिया है। तो सोचे क्यों ना इसके बारे में वीडियो बना ही दिया जाए, क्योंकि हो सकता है आपका भी ये समस्या हो सकता है क्या मैक्सिमम चांस है ये समस्या आपके भी आ सकता है। तो जैसे कि मैं इधर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ लैपटॉप पर, ठीक है, और इधर आप लोग देखोगे कि मेरा यहाँ पर सब्सक्राइबर 1400 यहाँ पर ज्यादा हो गया है। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पर अर्न वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो इधर आप लोग देख सकते हैं यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, मतलब यहाँ पर चैनल मोनेटाइज हो गया है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो इधर आप लोग देखोगे कि अभी भी 39,000 दो घंटा हुआ है, मतलब 100 घंटा वॉच टाइम अभी भी बाकी है। तो मतलब हमारा चैनल अभी हाफ मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों को पता ही होगा कुछ ही दिन पहले यूट्यूब का न्यू अपडेट आया था कि जैसे आपका 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा का वॉच टाइम होता था तब आपका चैनल मोनेटाइज किया जाता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब YouTube का न्यू अपडेट आया था तो उसमें आपको क्लियरली बता दिया गया था कि जैसे ही 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा वैसे आपका चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। हाफ मोनेटाइज होगा, पूरा मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये भी हाफ मोनेटाइज। जब भी मैं इस चैनल को मतलब 3000 घंटा वॉच टाइम पार हो गया था उसी टाइम जब मैंने इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया हाफ मोनेटाइजेशन के लिए, 2 हफ्ता से भी ज्यादा रिव्यू में ही पड़ा रहा, ना तो कुछ रिप्लाई आ रहा था ना तो कुछ। मैंने कितना फीडबैक सेंड किया, कितना यूट्यूब को ट्वीट किया था, कुछ रिप्लाई नहीं आया था। ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतना दिन से चैनल रिव्यू में कैसे पड़ा है जबकि मोनेटाइज 2 से 3 या फिर 3 से 4 दिन के अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और एक बात और है कि अगर आपका चैनल बहुत ही ज्यादा दिन से मोनेटाइज रिव्यू में पड़ा है इसका मतलब मैक्सिमम चांस ये रहता है कि वो प्रूव होगा ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा ही मैक्सिमम चांस रहता है। तो मैंने जब देखा कि इतना दिन से ये चैनल रिव्यू में पड़ा है अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे तो डर लग गया था कि कहीं ये बिल्कुल रिजेक्ट ना हो जाए। और अगर आप लोग मेरे वीडियोज को देखोगे तो इधर मैं जैसे कॉन्टेंट पर क्लिक करता हूँ इधर मेरा वीडियो पर देखोगे कि ये कॉमेडी वीडियो है, ठीक है, बिल्कुल अपना वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कॉपीराइट भी नहीं है, बस ये सबसे ऊपर में एक वीडियो में इधर कॉपीराइट है, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक वीडियो में कॉपीराइट क्लेम अगर रहे भी एक दो वीडियो में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हर वीडियो में उसके अलावा जितना भी वीडियो देखोगे किसी में भी आप लोग देख सकते हैं कॉपीराइट नहीं है, सब नॉन में है। और ये बिल्कुल अपना कॉन्टेंट है, मैंने कहीं से ये कॉन्टेंट ना कॉपी किया था ना चुराया था, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने भी ये चीज कर रखी। अब वो कौन सी चीज है चलो दिखाता हूँ। इसे इधर आप लोग शॉर्ट्स पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया है, एक भी शॉर्ट्स है ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉर्ट्स बनाया ही नहीं, ठीक है, नहीं बनाया था, बहुत वीडियो शॉर्ट्स में बनाया था लेकिन अब मैं डिलीट कर दिया। अब कैसे और क्या हुआ सुनो, जैसे उतना दिन से रिव्यू में पड़ा था चैनल कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो जब मैंने यूट्यूब से बात किया कुछ इधर से भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा पता नहीं चल रहा था। उसके बाद जब मैंने इस चैनल से बात किया, ये जो अभी देख रहे हैं जिस चैनल पर अर्निंग विद कासिम वाला चैनल से, इसी चैनल पर मैंने यूट्यूब से बात किया, बात करने के बाद उनसे पूरा चैनल रिव्यू में पड़ा है सारा कुछ इससे बात किया, लेकिन इसमें भी हमें कुछ अच्छा पता नहीं चला। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जितना भी शॉर्ट्स वीडियो था सबको डिलीट मार दिया। जैसे ही सब शॉर्ट्स वीडियो को डिलीट कर दिया जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर ही चैनल मोनेटाइज अप्रूव हो गया। अब ऐसा क्या था शॉर्ट्स में, अब देखो मेरा जो लॉन्ग वीडियो है ना उसी लॉन्ग वीडियो को मैंने बीच में 30 सेकंड 40 सेकंड या फिर 1 मिनट का कट करके मैं शॉर्ट्स में अपलोड करता था सेम वही वीडियो। और यही चीज है जो सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि रीयूज कंटेंट में आ सकता है। अब देखो लॉन्ग वीडियो जो है
उसको आप बीच में ट्रिम करके शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, जैसे कि सब टाइटल एड करना हो गया, कलर ग्रेडिंग चेंज कर देना हो गया, कुछ मतलब कुछ डिफरेंस कर दिया तो आप अपलोड कर सकते, मतलब थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अपने बीच को कट करके उसके बाद आप अपने से वॉइस ओवर करके फिर अपलोड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सेम लॉन्ग वीडियो को ही बीच में से कट करके फिर अपलोड कर देंगे शॉर्ट्स में, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि उसमें मोनेटाइज अप्रूव ना भी। और यही चीज जब मैंने देखा कि इतना दिन से रिव्यू में पड़ा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उसके बाद जैसे ही मैंने वो सारा शॉर्ट्स को डिलीट किया, उसके बाद एक दो दिन के अंदर ही चैनल मोनेटाइज अप्रूव हो गया है। अब इसके बारे में यूट्यूब ने कहीं पर क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज को अपने एक्सपीरियंस से देखा है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले जितना भी चैनल मोनेटाइज किया हूँ, हर चैनल लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही मोनेटाइज हो जाता है। बस यही एक चैनल इतना दिन से अंडर रिव्यू में पड़ा था, और जैसे ही मैंने शॉर्ट्स को डिलीट किया वो अप्रूव हो गया। तो आप क्या समझेंगे इसको, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट में। फिर इस वीडियो में आपको इतना ही नॉलेज था, अगर कुछ भी सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट में भेज जा पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने पहुंचते ही रहे, इसलिए इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।